हे गाइस, अभी कैसा है ना कि यार लोग मूवी देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि यार मैं भी इस रियल लाइफ में इसको अप्लाई करूं और थोड़ा सा कूल बनने की कोशिश करता हूं, इंटरनेट पे स्टोरी डालूं या फिर कोई ऐसी रील डालूं जिससे मैं कूल लगूं, ताकि जो मूवी में हुआ है वैसा का वैसा मैं भी अपने आप को दिखा पाऊं और थोड़ा सा कूल बन पाऊं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यार कूल बनने के चक्कर में तुमने कांटे का फूल ले लिया है अपनी गांड में, समझ रहे हो। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया वैसे की वैसे ही एक लड़की भी अपने पति को बेच रही है और बहुत ज्यादा ही हेट खा रही है कमेंट बॉक्स में भर भर के। तो चलो देखते हैं क्या बोलती है वो लड़की, ऐसा कि लोग भड़क उठ रहे हैं उस पे। भाई मेरे को पता है क्या समझ में आया, मैं ना जैसे श्रीदेवी अपने पति को बेचाती है ना उस मूवी में, कौन सी थी वो, कौन सी मूवी थी जिसमें अबे जे से नाम था यार, जुदाई। जैसे जुदाई में श्रीदेवी अपने पति अनिल कपूर को बेचाती है ना, भाई मैं भी बेचाऊंगी अपने पति को मान लो पैसे के लिए। हाँ बहन, भेज दो आप अपने पति को, क्योंकि आपके तो हाथ पैर है ही नहीं, मेहनत से कमाना तो आपको आता नहीं है, ये सभी करना ही तो आपको आता है। अगर भाई यही लाइन अगर कोई लड़का बोल दे कि भाई मैं अपनी बीवी को बेच रहा हूँ भाई पैसों के लिए, तो भाई खुली सड़क पर खुली पीठ पर उसको इतने पट्टे बजाते लोग, इतने पट्टे बजाते, लेकिन क्या ही करे, वो तो लड़की है ना, वो तो सब कुछ कर सकती है खुलेआम। दे लिख रहे हैं कि रोल्स रिवर्स्ड वाली चीज अगर हो जाती है वी वुड हैव बीन इन प्रिजन। और पता है मैंने इतने सारे लोग देखे हैं जो मेरी वीडियो के ऊपर अपने ओपिनियन दे रहे हैं, ये सभी वही लोग हैं जो मेरे को मेरी इस वीडियो पे एंड उससे पहले वाली वीडियोस पे मेरे को पूछ चुके हैं कि कितने में बेचेगी अपने आप। अगर आपकी लाइन है कमेंट बॉक्स वाले वापस आपको बोल रहे हैं कि आपको बेच दिया, तो फिर यार आप इन लोगों की बातें क्यों सुन रहे हो, आप जाके बेच दो ना अपने पति को, ताकि यार कुछ तो देखने के लिए मिले इंटरनेट पर। बट हर आदमी, ठीक है मैं अभी भी क्लियर कर देती हूँ, नॉट हर आदमी, मेरे दोस्त भी हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो आदमी लड़के ही हैं, दे हैव कम इन माय सपोर्ट जो भी। अरे सपोर्ट तो आपको बहुत लोग कर रहे होंगे यार, वो भी कर रहे होंगे लेकिन उल्टी खोपड़ी वाले, ठीक है। और इनको दूसरा सपोर्ट किसका है पता है, KRK, जिसको यार लोग ही सपोर्ट नहीं करते, वैसे लोगों का तो इनको सपोर्ट है। जैसी मेरी जुबान है मैं वैसी चीज के साथ खड़ी हूँ। हाँ पता है, इसलिए तो आप पे ये वीडियो बननी है कि आपकी जीवन से भी कचरा निकलता है और आपके दिमाग से भी, और आप इस रियल लाइफ में अपने पति को बेचने निकल गई थी। अरे हंस क्यों रहे हो यार, अब मतलब क्या माफी मांगने वाले हो क्या आप इंटरनेट पर? Guys, I would like to apologize to everyone that I've offended from the bottom of my heart. And happy April Fool's Day. भाई ये नहीं होने वाला, बना दिया मैंने तुम लोगों का। चल ठीक है यार, ऐसे ही वीडियो बना लिया करो यार, आप देख लूंगा, मैं भी देख लूंगा ऐसी वीडियो तुम्हारी, ठीक है यार। लेकिन यार पति पति को बेचने मत निकल जाइयो, वरना लोग फिर बोलेंगे कि यार आपका क्या रेट है ये वो सब, फिर आपको लग जाएगा बुरा। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। मैंने एक चीज नोटिस करी है, मेरे को ना पुरानी सोच वाले रूढ़िवादी सोच वाले बुड्ढों को ना अपनी ड्रेसिंग सेंस से ट्रिगर करने में बड़े मजे आते हैं भाई। भाई चलो पति बेचने तक तो ठीक था, लेकिन यार पापा के मम्मी को भी नहीं छोड़ रही है भाई ये तो। जैसे मेरी दादी ट्रिगर हुई भाई, वो कहती है अब ऐसे कपड़े हमारी भारतीय सभ्यता वगैरह पता नहीं व्हाट बुलशिट भाई, दिमाग खराब कर दिया भाई बुड्ढी ने। देख लो भाई ये अपने पति की क्या होगी, पति को तो ये बेचने की बात कर ही रही थी, लेकिन ये तो यार अपने पापा की जो मम्मी है उसको भी नहीं छोड़ रही है भाई, जो कि इसकी लगती है दादी उसको भी ये नहीं छोड़ रही है भाई। देख लो भाई, खिला पिला के इतनी बड़ी करी और इतना पढ़ाया लिखाया, क्या मिला बदले में ये, यार मैं उनको ट्रिगर करूंगी ये वो। भाई वो उनके अपने बच्चों के भले के लिए बोलते है भाई, कैसे छोटे कपड़े मत बोलो, बोल दिया तो क्या हुआ, उनके जमाने पे बहुत बड़ी लंबी साड़ी हुआ करती थी, पूरे ढक्के रहते थे। तो अभी क्या है कि नया फैशन है, नया जमाना है, वो साड़ी भले छोटी हो चुकी है तो वो लोग नहीं समझेंगे कितना भी समझाओ, तो उसमें भी यार ये इंटरनेट पे डालती है कि मैं ट्रिगर करती हूँ ये वो, क्या चीज है ये। बोल तो ऐसे रही है कि अपनी दादी को ट्रिगर कर दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, और फिर ऊपर से सोशल मीडिया पर भी डाल रही है कि इसकी दादी ऐसे तो नहीं बोल रही है, बेटा भाई तू पूरी साड़ी में लपेट जा, ऐसे करके ढक जा, हाँ ऐसे पूरी ढक जा, बाहर मत निकल, छुप जा अंदर, ऐसे तो बोल नहीं रही, जो कि ये ऐसे बोल रही है उसको। नॉटी हो रहा। I'm gonna wear what I wanna wear. क्या बोलोगे? I look nice. भारतीय सभ्यता के
Itself. क्या मतलब यार, ये मतलब हर जगह कुल बनने की कोशिश ही करती है, जैसे कि अपना पति बेच देती है, कहीं ना कहीं अपने दादा दादी को भी ये पहन लेती है वीडियो के अंदर ही कि वहाँ मैं क्या ऐसे कपड़े पहनूंगी, ये वो इंडियन कल्चर वल्चर सबको ये मतलब ऐसा मतलब कुल बनने के लिए कुछ भी किधर से भी कुछ भी निकाल देती है भाई। बच्ची को भी बोल दिया कि बीसी बोल दिया, अब क्या बोलूं, कुल बनने के लिए कुछ भी लगता है ये। देखो कितने भी ज्यादा तुम में क्यों नहीं चूल भरी पड़ी हो या कुछ भी हो तुम्हारे अंदर भाई, तुम डोंट नो बदमाश हो ऑनलाइन कुछ भी हो, लेकिन यार उसके बाद तुमको हेट पड़ेगा ना बहुत गंदा वाला, फिर यार धीरे से विक्टिम कार्ड निकल ही जाएगा। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है रोल्स रिवर्स्ड वाली चीज इस कार्ड को निकाल देते हैं और फिर इस कार्ड को और पता मैंने इतने सारे स्वाइप लोग करके देखे हैं जो कैश कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं। और दीदी का ऐसा कुछ कंटेंट है जैसे कि वो नहीं होता इंस्टाग्राम में क्वेश्चन पूछते हैं फिर वो रिप्लाई करता है, ऐसा कुछ होता है ना जो वही वाला कंटेंट है। ये सब करने के बाद दीदी कुछ नया करने गई थी, उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा नया हो गया जो हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, कुछ ऐसा वाला उनपे नया हो गया। तो अभी छोड़ो इस बात को, चलते हैं यार लखन के मक्खन वाली एकदम खतरनाक खबरों पे। आज लाए हैं ये वाली एकदम खतरनाक न्यूज सीरीज जिसमें हम देंगे न्यूज, चलो फटाफट देखने के लिए न्यूज। और हाँ, इसके अंदर सिर्फ मैं एक ही खबर दे पाऊंगा, ज्यादा ढूंढ के नहीं ला पाया हूँ। अगली बार जो रोस्ट वीडियो होगी उसके लास्ट में 3 या 4 अच्छी खासी खबर ढूंढ के लाऊंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा एक और है, नूब। नूब नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा अपने नूब दोस्तों के साथ खेल के कभी कभार चिकन डिनर मार कर मैं भी MVP बनी जाता हूँ, लेकिन देश के असली MVP तो मोदी जी है। और हाँ, इन लोगों ने मोदी जी को गेम भी खिलवाया। सर आपका कैरेक्टर है और ये जंप बटन है, आगे जाते हैं। सर सर आप तो इसको बहुत मजा है, भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लगे। ये वाले गेम में मोदी जी को मजा नहीं आया तो मोदी जी ने बोला दिमाग का पाव भाजी हो रहा साला, पूरा दिमाग का पाव भाजी। क्या यार साला, इस गेम में मैं स्कोर नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, मोदी जी भी लाइक अगर इसके अंदर 400 पार नहीं हो तो इस गेम को मैं बैन करा दूंगा। सब क्या देखना पड़ रहा है? हाँ ऐसा नहीं बोला है, टेंशन मतलब ऐसा नहीं बोला है। अभी मेरे को ऐसा लगा था कि लास्ट में मोदी जी ऐसा बोलेंगे, मेरे प्यारे भाई और बहनों इस बार जो पार, और उसके बाद इस बार फिर से मोदी सरकार, ये बोलेंगे ऐसा लगा था। खाओ माँ कसम। मोदी जी को यार गेम वेम खिलवा कर इन सब की आदत मत लगाओ यार, बड़ी गंदी आदत है यार। मैं भी गेम खेलता रहता हूँ वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मुझे इसकी आदत ना लगे। अगर इसके अंदर मोदी जी और कांग्रेस की पार्टी होती दोनों मिलकर तो इसमें क्या होता, उसमें कुछ ऐसा होता BGMI होता, एक रूम बनता उसमें 1v1 होता मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी, तो उसमें सबसे बड़ा जो भी हार जाता वो नूब कहलाता। वो तो तुम लोगों को पता है, मोदी जी ने आगे ही बोला था कि कौन है नूब, नाम नहीं लेंगे उसका। वो Who likes to take notes while I take check?